नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलिए मत। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव का रण जिस तेजी से अब आगे बढ़ रहा है, अब इसमें देखना यह होगा कि कौन से योद्धा को जीत मिलती है और कौन सा योद्धा मात खाता है। और ये फैसला कौन करेगा? हरियाणा की जनता करेगी, जो कि 5 अक्टूबर को अपना मतदान कर ये फैसला कर देगी कि वो किसे जिता रही है और किसके हिस्से में हार आ रही है। और 8 अक्टूबर को वो नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वो जीत और हार को लेकर ही फंसा हुआ है। बीजेपी को अभी भी उम्मीद है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में वो कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस को पूरी इस बात की उम्मीद है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल करेगी। और 10 साल से जो सत्ता के सुख से वो दूर रही है, उस सुख को पाने के अब नजदीक पहुंच जाएगी। बाकी तमाम दलों का क्या होगा ये भी देखना बेहद जरूरी है। लेकिन इस सबसे पहले, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार हरियाणा में इस वक्त किस पार्टी की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है या बीजेपी, या इसके अलावा बाकी के जो दूसरे दल हैं उनका क्या कुछ हाल है, आम आदमी पार्टी कहां खड़ी हुई है, जेजेपी की क्या कुछ स्थिति है, इनेलो क्या अपना अस्तित्व बचा पाएगी, और जिस तरह से गठबंधन में चीजें आगे बढ़ रही है, हर रोज कुछ ना कुछ नया हरियाणा में हो रहा है। इसके अलावा बयानबाजी भी लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस के भीतर ही मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो दावा ठोका जा रहा था, उसका जो झगड़ा था वो दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बीजेपी के अंदर भी वो चीजें दिखने लगी है, साफ तौर पर दिखने लगी है। पहले काफी हद तक धुंधली थी या छिपी हुई रहती थी, लेकिन अब तमाम नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बाहर आने लगी है, उबल उबल कर बाहर आने लगी है। राविंदरजीत सिंह भी इस बात का जिक्र लगातार करते आ रहे हैं और कर चुके हैं। अनिल विज, जो कि पूर्व में गृह मंत्री थे, उन्होंने भी साफ कह दिया कि वो भी दावेदारी के मजबूत कैंडिडेट है सीएम बनने के, लेकिन पार्टी कह रही है कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीएम अगर पार्टी जीतती है तो वही होंगे। अब खैर देखते हैं किसके भाग का छींका फूटता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाग तो तब खुलेगा जब बीजेपी 2024 का चुनाव जीत पाएगी, और उसके कितने प्रतिशत चांसेस है आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस सब के बीच सट्टा बाजार का आंकलन क्या है हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर? लगातार हम सट्टा बाजार से रिलेटेड अपडेट भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि कितना सट्टा बाजार जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले कहां बता रहा था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति, और अब चूंकि तमाम उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों के नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं, जिन उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन वापस लेना था उन्होंने अपने नॉमिनेशन भी वापस ले लिए, यानी कि अब पूरी तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव की स्थिति साफ हो चुकी है। कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश बची नहीं है, बस कहीं गुंजाइश बची हुई है तो वो भीतर घात की बची हुई है कि कोई घर का भेदी ही लंका को ना ढा दे, और इसी की कोशिश में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी और तमाम इन नेताओं के ऊपर दूरबीन लगाकर नजरें भी गड़ाए हुई है कि ऐसे बागी नेता जो अभी भी बैठे तो अपने ही घर के भीतर है, लेकिन अपने घर में ही बैठकर घर की ही दीवार गिराने की जुगत में लगे हुए हैं। तो इस पर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की निगाह है, और जाहिर सी बात है राजनीति है, और राजनीति में कहीं भी कोई संकल्प नहीं होता है, कहीं भी कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं होती जिसके साथ हमेशा कोई नेता बंधा रहे। अगर कुछ होता है तो मतलब होता है, फायदा होता है, और जब वो फायदा किसी नेता को दिखता है तो वो उस फायदे के पीछे चल पड़ता है, और यही स्थिति पॉलिटिकल पार्टीज की भी होती है। खैर, सट्टा बाजार क्या कहता है? सट्टा बाजार ने क्या हिला दिया है हरियाणा का चुनावी माहौल? सट्टा बाजार के हिसाब से अभी हरियाणा में चुनावी माहौल क्या है, कौन सी पार्टी जीत हासिल कर रही है? अगर जीत हासिल कर रही है, आज अगर पोलिंग होती है तो उस स्थिति में क्या हाल होगा, क्योंकि अभी चुनाव आगे बढ़ रहा है और आप समझिए इसको करीब 25 से 30 तारीख के बीच तक काफी हद तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वैसे तो बहुत हद तक साफ हो चुकी है, लेकिन जहां कहीं भी गुंजाइश है, क्योंकि इस बार बागी निर्दलीय काफी हद तक चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं, जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सर में दर्द कर रखा है कि कहीं ये बागी निर्दलीय चुनाव
जीत गए तो उनकी पार्टी के उम्मीदवारों का क्या होगा, क्योंकि ये वो बागी है जो इन दोनों ही पार्टी से टिकट मांग रहे थे। चलिए एक एक कर बात करते हैं कि सट्टा बाजार किसे बना रहा है हरियाणा में इस बार का किंग, किसकी बना रहा है सट्टा बाजार में इस बार सरकार। तो आपको बताते हैं कि अगर आज के हालात में चुनाव होते हैं तो सट्टा बाजार का आंकलन कांग्रेस को लेकर क्या कुछ है। तो सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस आज हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 57 से 59 सीटों पर खड़ी हुई है, यानी कि इतनी सीटें सट्टा बाजार के हिसाब से सट्टा बाजार दे रहा है, यानी कि सट्टा बाजार में कोई सबसे फेवरेट पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, यानी कि एक बड़े नंबर के साथ सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। और जिस तरह से लगातार मैदान से या कहें कि ग्राउंड से जो चर्चाएं भी है कि इस नंबर से भी अगर ये जो बीजेपी कह रही थी 75 पार 2019 में यहां भी पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा फिलहाल की जो स्थिति है। लेकिन अभी चुनाव में वक्त है, अभी करीब करीब 15 से 20 दिन के बाद और ज्यादा तस्वीर साफ होगी, 20 दिन के आसपास का अभी चुनाव है और अगले 10 दिन में काफी हद तक यह भी साफ हो जाएगा कौन कहां है। लेकिन सट्टा बाजार के आंकलन के हिसाब से 57 से 59 सीटों पर अब कांग्रेस बैठी हुई है, यानी इतनी सीट तो कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की क्या कुछ स्थिति है, बीजेपी जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब क्या हुआ था, यानी कि तब क्या कुछ स्थिति यहां पर थी। अब सबसे बड़ी बात यह कि जो साख अगर किसी की दाव पे है वो नायब सिंह सैनी के दाव पर है, और इस बात का जिक्र भी जो विपक्षी दल के नेता उन्होंने किया भी था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मोहरा ढूंढा गया है नायब सैनी के तौर पर जिसके सर पर ठीकरा फोड़ दिया जाए इस हार का। तो क्या वही होने वाला है हरियाणा में, क्योंकि सट्टा बाजार के हिसाब से सिर्फ 21 से 23 सीट पर ही बीजेपी सिमटती दिखाई दे रही है। और आपको मैं बता दूं कि जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उससे भी 15-20 दिन पहले जो सट्टा बाजार का आंकलन था वो करीब करीब 28 से 30 सीटों का था, यानी कि आप समझिए कि चुनावों की घोषणा से लेकर अब तक करीब करीब 7 सीटें जो है वो घट गई है, 7 सीटें बीजेपी पार्टी की घटी है, यानी कि लगातार ये नंबर गिर रहा है। और अब से अगर करीब 10 दिन पहले की बात करें तो यही जो सीटें थी करीब करीब 24 से 26 के आसपास थी, यानी कि लगातार जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है, और ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है और इस पर बीजेपी को सोचना होगा। अब खैर कितना समय बचा है कितना नहीं, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और जिस तरह से घोषणा हुई थी पहली लिस्ट आई थी और जैसे भगदड़ मची थी वो बीजेपी के लिए चिंता की बात बनी थी, लेकिन उस भगदड़ से बहुत ज्यादा कुछ मैनेज करने में कामयाब बीजेपी हो नहीं पाई। खैर भगदड़ कांग्रेस में भी मची और कांग्रेस का भी हाल कुछ कुछ वैसा ही है। तो वहीं अगर अन्यों की बात करें तो 8 से 12 सीट पर ये तमाम बाकी के निर्दलीय और तमाम जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें INLD बसपा गठबंधन है, आम आदमी पार्टी है, JJP ASP गठबंधन है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बची और इसके अलावा निर्दलीय भी ऐसे हैं जो कि इन 8 से 12 में सीटें निकालने में कामयाब होंगे। लेकिन आपको बता दें कि सट्टा बाजार का ये आंकलन फिलहाल आज के अभी के मौजूदा हालात पर है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा यह स्थिति कमोबेश बदलती दिखेगी ऐसी उम्मीद है, लेकिन कितनी बदलेगी यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और इस सब के बीच आपको क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस एक बड़े नंबर के साथ, भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है, हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।